ये है मेरी डॉज वाइपर, जिसको मैं मिथपेट को बेचने वाला हूँ पूरे के पूरे $20,00,000 में। एंड इस वाली गाड़ी को मैंने $10,00,000 में ऑक्शन से खरीदा था। तो अभी जो है ना, मिथपेट को मैं इसको बेचने वाला हूँ $20,00,000 में, क्योंकि मिथपेट जो है एक अमीर आदमी है और मैंने मिथपेट को पहले से ही इस गेम में ढूंढ रखा है, जो कि सेम टू सेम मिथपेट जैसा ही दिखता है। तो गेम में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। ओके गाइस, वेलकम टू कार फॉर सेल। और आज के वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और ये वाली जो डॉज वाइपर है, इसको मैं ऐसे ही नहीं देने वाला हूँ मिथपेट को, क्योंकि मिथपेट जो है ना बहुत ज्यादा अमीर बंदा है और उसको मैं देने वाला हूँ ये वाली कार को पूरा मॉडिफाई करा के। मतलब कि इस वाली कार को इतना ज्यादा खतरनाक कलर करेंगे हम, जिससे कि मिथपेट को ना देखते ही पसंद आ जाएगी। तो अभी जो है ना, इसमें सबसे पहले मैं कलर करके आऊंगा और उसके बाद इसको हम मिथपेट को बेचेंगे $20,00,000 में। फिलहाल अभी रात भी हो रही है, तो अभी के टाइम में एम्प्लॉय कोई भी नहीं होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले ना हम लोग सोने के लिए चलते हैं यहाँ से, क्योंकि रात के टाइम पे हम लोग कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। और शायद से रात ही है, मेरे को तो अंदाजा भी नहीं आता कभी कभी। खैर, गेम तो खैर ठीक बना रखा है इन लोगों ने, अभी चलते हैं जल्दी से। वैसे यार, कार फॉर सेल का ना ऑफिशियल गेम भी लॉन्च होने वाला है मोबाइल वालों के लिए। एंड जैसे ही वो वाला गेम लॉन्च होगा ना, तब तो इतना ज्यादा मजा आ जाएगा ना, क्योंकि वो वाला जो गेम होगा ना एकदम रियलिस्टिक होगा, जैसा कि पीसी में होता है। मतलब पीसी से तो थोड़ा बहुत डिफरेंट ही बनाएंगे मेरे ख्याल से। खैर, अभी जो है हम लोग पहुंचने वाले हैं अपने कंटेनर के पास, जल्दी से सो जाते हैं भाई। इसकी स्पीड यार इतनी ज्यादा लगती नहीं है, निसान GTR के सामने ना ये वाली स्पीड कुछ भी नहीं है। खैर, अभी उतरते हैं। ओके, तो अभी जो है ना जल्दी से हम लोग सो जाते हैं। ओके गाइस, तो आज वेडनेसडे है एंड आज के दिन ऑक्शन ओपन होने वाला है। तो हम लोग ऑक्शन कुछ भी ट्राई नहीं करने वाले हैं, बट हम लोगों को ना इस वाली कार को पूरा मॉडिफाई कराना है। तो जल्दी से अभी चलते हैं सीधा टर्निंग के लिए। तो मेरे को ना टर्निंग शॉप में जाना पड़ेगा जल्दी से भाई, बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा है, बट ना इसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। देखो, अभी इस वाली कार का कलर मैं ना इतना ज्यादा जबरदस्त बनाऊंगा, क्योंकि अपडेट के बाद ना इसमें कलर बहुत अच्छे अच्छे आ गई है। तो अभी जल्दी से चलते हैं भाई, ये काम आ गया। चलो कोई बात नहीं, अभी मिथपेट को बेचने वाले हम लोग ये वाली कार। ओके गाइस, तो अभी मैं घसीटते हुए गाड़ी को ले आया हूँ टर्निंग शॉप पे। तो यहाँ पे ना अभी जल्दी से इसको अपग्रेड करा लेते हैं और उसके बाद देखना अपनी गाड़ी जो है ना काफी ज्यादा जबरदस्त लगने वाली है। सबसे पहले ना मैं इसको थोड़ा बहुत रिपेयर करा लेता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डैमेज कर रखी है मैंने, तो सबसे ज्यादा रिपेयर करना जरूरी बनता है इसको। चल भाई, तू कर दे भाई इसको, सस्ते में करना भाई, $57। चलो कोई बात नहीं, किस बात के ले रहा है वैसे यार, थोड़ा बहुत आगे का ही तो डैमेज हुआ है इसमें, पता नहीं यार क्या आदमी है ये, 12% डैमेज हो रखा है। चलो कोई बात नहीं, अभी इसको रिपेयर करने लगा देते हैं। वैसे यार, ये वाली जो कार है ना, मिथपेट के पास खुद नहीं होगी रियल लाइफ में, बट ये तो खैर गेम वाला मिथपेट मैंने ढूंढ रखा है, मिथपेट जैसा ही है सेम टू सेम। देखो अभी दिखाऊंगा तुम लोगों को, बट जरा सा वेट करो भाई, कितना देर लगाएगा भाई, जल्दी जल्दी कर ले थोड़ा। ओ यार भाई, अभी तक इसका राइट फेंडर ही सही नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, अभी लास्ट वाला यार बम्पर बचा हुआ है इसका, बस थोड़ी देर में होने वाला है। एंड उसके बाद हम लोग इस वाली गाड़ी का कलर वलर कराएंगे और थोड़ा बहुत ना इसमें टर्निंग भी कराएंगे, क्योंकि यार इसमें टर्निंग कराना जरूरी है। अब थोड़ा बहुत ना इसका सस्पेंशन हाई या लो कर देंगे, जिससे कि गाड़ी जो है काफी बढ़िया लगेगी और मिथपेट को ना देखते ही पसंद आ जाएगी। मतलब जैसे हम लोग अगर 20,00,000 भी इसका प्राइस लगा रहे हैं, तो वो जो है ना 25,00,000 फेंक के जाएगा भाई मुंह पे। चलो कोई बात नहीं, अभी जल्दी से इसको निकालते हैं एंड देखते हैं भाई। ओके, तो अभी हमारी जो गाड़ी है ना पूरी रिपेयर हो चुकी है, अब जल्दी से ना इसमें टर्निंग करा लेते हैं भाई। वैसे टर्निंग वर्निंग की इसमें जरूरत तो नहीं है, बट करा ही लेते हैं यार। चल भाई, इसमें टर्निंग कर दे जल्दी से, कुछ कम पैसा लेना यार, बहुत ज्यादा पैसा। वो इसमें TCS भी नहीं था, ESP भी नहीं था, तो इन दोनों को जो है ना मैं अभी ऐड कर देता हूँ, ताकि यार हम लोग ना इस वाली गाड़ी को मतलब हाई प्राइस में बेच रहे हैं, तो उसका मतलब थोड़ा बहुत ना मिथपेट को भी फायदा मिलना चाहिए। ओके, तो ये लगा दिया एंड इसको भी लगा देते हैं। ओके, तो अभी मैंने ना TCS और ESP दोनों को ऐड कर दिया है। इसका सस्पेंशन थोड़ा बहुत कम कर देते हैं, इतना सही है। चलो ये बैक सस्पेंशन भी थोड़ा कम कर देते हैं। ओ भाई, क्या सेक्सी लग रही है यार। वैसे मिथपेट तो आज यार खुश हो जाने वाला है भाई, रियल लाइफ में ऐसी गाड़ी नहीं देख रखी होगी। वैसे यार वो बहुत अमीर है, मतलब देख रखी होगी उसने। खैर कोई बात नहीं, अभी लाइट्स देख लेते हैं। लाइट्स में यार व्हाइट लाइट ही सही रहते हैं। चलो ये वाला एक सही है, $80 लगा ही देते हैं इसमें। ओके, तो इसके प्लेट भी ना थोड़ा बहुत मैं चेंज कर लेता हूँ। वैसे ये वाला भी अच्छा है, पता नहीं कौन सी कंट्री का है, मेरे को पता नहीं है खुद। ये वाला लगा दे क्या? हाँ, रशिया सही है यार भाई। चलो इसी को लगा देते हैं अभी के लिए। ओके, तो अभी मैंने ये वाली प्लेट लगा दी है, अब लास्ट बचा है व्हील। तो इसके थोड़ा बहुत ना मैं व्हील भी चेंज कर लेता हूँ, जैसे कि लास्ट वाले ये लगाते हैं, क्योंकि ये वाला जो व्हील है ना ये $5,000 का होता है यार, सबसे ज्यादा महंगा व्हील होता है ये।
वैसे मेरे को पहले पता नहीं था कि इसमें जो है ना प्राइस के हिसाब से व्हील है, बट जब मैंने सही से देखा ना तो मुझे पता लगा कि यार ये अलग अलग व्हील है और इनका प्राइस है ना जो वो भी अलग अलग है। तो चल जल्दी से अभी इसको लगा देते हैं। ओके तो गाइज फिलहाल मैंने ना ये टर्निंग वर्निंग पूरी कर ली है, बस इसमें थोड़ा बहुत मेरे को कलर करना बाकी रह गया है और इसके बाद हम लोग सीधा इस वाली गाड़ी को $20 लाख में बेच देने वाले हैं। वैसे मैंने इसको 10 लाख में बेच रखा है भाई। अब यार बड़े यूट्यूबर है यार ये लोग, भाई इनसे पैसा तो बनता है ना थोड़ा बहुत। चलो कोई बात नहीं, अभी जल्दी से इधर पे लगा देते हैं और इधर पे ना कलर कला लेता हूँ थोड़ा बहुत मैं इसका। कलर कर दे भाई तू, बढ़िया सा कलर। वैसे यह $300 लेता है, पता नहीं किस बात के डॉलर लेता है। इतनी अच्छी कार तो लग नहीं रही है। वैसे ग्रीन बनाऊँ क्या? अब मेरे को पता भी नहीं यार मिथपैट को कौन सी गाड़ी अच्छी लगेगी। वैसे ये वाली रेड कुछ अजीब ही नहीं लग रही है, ये लगाऊँ क्या? रेड भी वैसे सही लग रही है यार काफ़ी। रुको रुको एक सेकंड, ब्लैक बनाऊँ क्या? ओह क्या जबरदस्त है यार ये, चलो ब्लैक ही कर लेते हैं यार। वैसे ब्लैक भी बढ़िया लग रहा है, बट रुको रुको एक सेकंड, मेरे को ना कोई और कलर भी देखना चाहिए वैसे। चलो तो अभी जो है ना मैं थोड़ा सा रेड ब्लैक टाइप का कलर बना रहा हूँ जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को। तो अब पता नहीं मिथपैट को पसंद आए या ना आए, खैर जो भी है इसको अभी जो है ना करा लेते हैं पेंट। ओके तो ये जो है ना पेंट अभी हो चुकी है, बस थोड़ा बहुत मैं इसका पॉलिश वॉलिश करा लेता हूँ। कम करूँ यार, ठीक है ना? वैसे मेटेलिक लुक ठीक रहेगा क्या? ओ ये कलर ऐसा था, मुझे पता नहीं था यार। चलो कोई बात नहीं, ऐसा ही कर लेते हैं। एंड अभी जो है ना इधर से चलते हैं अपने सीधे ऑफिस में और इस वाली गाड़ी को ना जल्दी से सेल पे लगा देते हैं एंड देखते हैं मिथपैट आता है या नहीं हमारे पास। वैसे मेरे को लगता है ना मिथपैट आ तो जाएंगे यार, क्योंकि मिथपैट की बात ही अलग है यार। देखना अभी भाई मिथपैट तुम लोगों को दिखाऊंगा मैं कैसा दिखता है करके, इसमें मतलब मिथपैट जैसा ही है थोड़ा बहुत। वैसे यार काफी बढ़िया है। चलो इधर रुक जा भाई, अब देखो यार मेरी गाड़ी जो है ना अभी इतनी खतरनाक दिख रही है ना ब्लैक कलर में, मतलब थोड़ा बहुत ब्लैक भी है थोड़ा रेडिश कलर भी है। खैर जो भी है कलर का मेरे को पता भी नहीं यार कौन कौन सा कलर होता है करके। खैर इसमें बैठते हैं, रुको एक सेकंड मेरे को ना इसकी लाइट जलानी है। अब देखो भाई रुक जा यार, ऐसे जलेगी लाइट शायद से। अब देखते हैं लाइट जली, ओ लाइट नहीं जली क्या इसमें? ये क्या बवाल है बे, जल जा बे जल जा, पता नहीं यार। ओ अब जली है, चलो ओ जैसे ही उतर रहा हूँ ये बंद हो जा रही है। चलो इन लोगों ने थोड़ा बहुत तो कुछ फिक्स किया। चलो अभी जो है ना इस वाली गाड़ी को जल्दी से सेल पे लगा देता हूँ मैं, ताकि जो मिथपैट है ना वो जल्दी से इसको लेने आए। वैसे तो इस वाली गाड़ी को मैं सेल पे लगा रहा हूँ बट सेल पे ना बहुत लोग आने वाले हैं, देखते हैं। ओके तो सबसे पहले ना इसका टाइटल डाल देता हूँ मैं, ओनली फॉर मिथपैट, ओनली फॉर मिथपैट, मिथपैट। यार मिथपैट का नाम भी यार किस हिसाब से रखा होगा यार उसने नाम। वैसे यार काफी ज्यादा खतरनाक प्लेयर है वो, ऐसा बोलना नहीं चाहिए मुझे बट मैं बोल दे रहा हूँ कोई भी है। खैर कोई बात नहीं, अभी जो है ना इसका प्राइस जो हम लोग रखने वाले हैं डायरेक्ट $20 लाख, आई थिंक हो गया ना 20 लाख, चलो शायद से 20 लाख है ये। ओके तो इसको लगा देते हैं अभी सेल पे। अब देखो भाई मिथपैट जो है ना दौड़ दौड़ के आएंगे अभी। अभी यार थोड़ा बहुत ना मैं फोटो वोटो खिंचा लूँ क्या? हाँ एक सही रहेगा यार, फोटो खिंचाना जरूरी है भाई, हम फोटो खिंचा के रहेंगे भाई। एक सेकेंड थोड़ा आगे आ जा भाई, उस सेट यार मैं कहाँ पे आ गया हूँ, एक सेकेंड मेरे को थोड़ा ऐसे आगे जाना पड़ेगा। और अब देखो चलो तो अभी मैंने फोटो खींच ली है, जल्दी से इसको लगा भी देते हैं। अबे फोटो मैंने खींची थी बे, रुको यार एक सेकंड और खींचनी पड़ेगी मेरे को, कैप्चर और ये सेव। ओ मैंने खींचा नहीं था यार, ओके ओके अब समझ में आया मेरे को, जल्दी से ना अभी इसको लगा देते हैं। अबे अभी तो मेरे को कहीं दिख रहा था यार, अबे यार मैं फोटो खींच रहा हूँ पता नहीं क्यों नहीं आ रही है, रुको एक सेकेंड ये सेव। अबे मैंने सेव पे दबा रखा अभी, रुको दो खींच देता हूँ मैं, अब देखते हैं आया या नहीं। ओके ओके अभी जो है आ चुकी है हमारी फोटो इधर पे, जल्दी से इसको लगा देते हैं ताकि मिथपैट जो है ना दौड़ते हुए आए। अबे ये हो क्या रहा है? ओके तो अभी जो है ना मैं इधर पे गाड़ी लगा देता हूँ, इस वाली गाड़ी को, तो इस वाली फोटो को मैंने लगा दिया है। अभी दूसरी फोटो तो मेरे पास है नहीं, चलो यही काफ़ी है वैसे। अब देखते हैं मिथपैट आता है या नहीं। वैसे कस्टमर अभी कोई भी नहीं दिख रहा, ओ ऑफिस बंद है यार, तभी तो सोचो कोई कस्टमर क्यों नहीं आ रहा है। बिना ऑफिस को ले यार मैं गाड़ी को सेल पे लगा रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, अभी देखना मिथपैट को दिखाऊंगा अभी, बट ना यहाँ पे यार बहुत ज़्यादा कस्टमर आने वाले हैं, मैं बेचने वाला हूँ सिर्फ मिथपैट को अपनी गाड़ी। अब देखते हैं मिथपैट आता है नहीं। वैसे यार ये गेम वाला जो मिथपैट है ना ये मैंने खुद चुन रखा है भाई, अब जैसा भी होगा यार तुम लोगों को जो भी लगे, मैं तो भाई उसको ही मिथपैट मानूंगा चाहे कुछ हो जाए। वैसे अभी तो कोई आया नहीं यार पता नहीं क्यों। अबे यार सेल पे लगा रखी है भाई अपनी डॉज वाइपर मैंने, यार क्या सेक्सी लग रही है ये, अबे इसको देखो यार एक बार। अबे यार खैर जो भी है कस्टमर कोई नहीं आ रहा भाई। अबे मिथपैट ने किसी को क्या यार, मिथपैट का नाम लिया मैंने भाई, इसका टाइटल तो चेंज नहीं करना पड़ेगा ना मेरे को,
यार ओके, तो पहली ही बार में मेरे को एक लेडी, साला मैं इसको मिथपैट समझ रहा था, ये तो मिथिला निकले बे, लेकिन मिथिला को हम लोग नहीं बेचेंगे, तू निकल जा। वैसे निकाल दूं यार, आएंगे ना अभी कस्टमर, चलो इसको निकाल ही देते हैं यार। वैसे देख लेते हैं कितना प्राइस ये अभी कह रही है, 20 लाख लगा रखा है, 14 लाख बोल रही है। अबे यार ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा भाई, मैं नहीं मानूंगा इसको, इसको भेजो भाई, चल निकल यहाँ से। एक लेडी और है, वैसे इससे भी बात कर ही लेते, तब तक क्या पता मिथपैट आ जाए यार, बस एक बार आ जाए ना वो। अबे ये लोग 14 लाख पता नहीं क्यों बोल रहे हैं यार। अबे देखो यार, देखो जरा भाई, 10 लाख की वो गाड़ी मैंने खरीद रखी है और ये लोग बोल रहे हैं 14 लाख में दे दो भाई इसको, क्या लोग हैं यार ये। छोड़ो हट, निकल यहाँ से, कि ऐसी की तैसी मिथपैट नहीं आ रहा है यार अभी तक। भाई यार पता नहीं यार मिथपैट ने कौन सा बैन लगा रखा है यार, मिथपैट सर पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। वैसे यार आ जाना चाहिए यार, अभी तक इतना देर क्यों लगा रहे हैं लोग यार, पता नहीं। ओ आया आया, कोई तो आया भाई। ओ देखो यार ये अपना मिथपैट, मतलब हम लोग ना इसको ही मिथपैट मान के चलेंगे। रुको यार, क्या पता कोई और बंदा भी आ जाए, वैसे मिथपैट जैसा तो दिख रहा है यार थोड़ा बहुत। नहीं यार भाई वो मिथपैट जो है ना बहुत ज्यादा लंबा है, मतलब उनकी जो हाइट है ना वो कम से कम शायद से मेरे ख्याल से 7 या 8 फुट होगी, जितनी भी है। खैर जल्दी से इसको देख लेते हैं एक बार, बात करके कितना बोल रहा है ये भाई, थोड़ा ज्यादा पैसा देना भाई, मैं ऐसे नहीं मानूंगा भाई। भाई तू बड़ा यूट्यूबर है, मैं नहीं मानूंगा ऐसे 14 लाख। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। रुको यार, वैसे मिथपैट बोल रखा है तो ऐसा बोलना नहीं पड़ेगा मेरे को, गाड़ी धो दे भाई जल्दी से, क्या पता। ओ एक लेडी आ रही है, यहाँ पे 2 कस्टमर आ रहे हैं यार। रुको भाई जी, थोड़ा बहुत मेरे को बात करना पड़ेगा क्या, ये दोनों के दोनों सेम जैसे लग रहे हैं। चलो तो अभी जो है ना मैं इसी को मिथपैट मान के भाई इसी को भेज देता हूँ। चलो यार मिथपैट मिथपैट तो कुछ नहीं मिलने वाला है इसमें, मैं जो है ना भाई इसी को मिथपैट मानूंगा, चाहे तुम लोग कुछ भी कहो। वैसे इसको बार्गेन करके ना 18 लाख करके देख लेते हैं, क्या पता 18 लाख में दे दे यार मेरे को। भाई यार रहम कर दो यार सर। हाँ चलो अब भाई इनसे कम नहीं आऊंगा मैं, इससे कम नहीं आऊंगा। ओके गाइस, तो फाइनली मैंने जो है अपनी डॉज वाइपर को मिथपैट को बेच डाला, एंड अपनी जो डॉज वाइपर थी ना वो 16 लाख डॉलर में बिकी है, मतलब मैंने 20 लाख लगा रखा था, बट यार मिथपैट सर बहुत ही ज्यादा कंजूस निकले। खैर कोई बात नहीं, बट आज का जो वीडियो है ना इधर तक रहने वाला है, एंड अगर आपको हमारा वीडियो जरा सा भी पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।